शकील बिन हनीफ, ये जो फितना है इब्ने लहैज है, ये नबुवत का दावा किया है। आज जो ये फितना आरिफ जो है गिरफ्तार होके लॉकअप में बल्लागोड़ा पुलिस स्टेशन के मौजूद है, इसके साथ में और तीन है। नाम और पता हम जो है पुलिस स्टेशन में खत्म नबुवत के जिम्मेदारों ने जो है दे दिया है, तो वो हमारे आगा नामदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, ये नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं जो है ना शान रिसालत में अगर कोई इब्ने लहैज कोई कज़्ज़ाब अगर जो है गुस्ताखी करता है तो यकीनन हम जो है ना उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज जमाल बंडा अब्दुल्ला कॉलोनी में शकील बिन हनीफ जो फितना है, जो झूठा नबुवत का दावा करता है, उसके मानने वाला और एरिए में घूमते हुए एक आरिफ नामी एक फितना जमाल बंडे अब्दुल्ला कॉलोनी के एरिए में झूठा प्रोपोगंडा करते हुए नौजवानों को जहन साजी करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही इतला मिली, वहाँ के मुकामी लोग और खत्म नबूवत के से ताल्लुक़ रखने वाले शहर के ज़िम्मेदारान इसकी इतला मोहतरम नक़ीब मिल्लत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मौजूद रुकने पार्लियामेंट को दी। उन्होंने फौरी तौर पर मुझे और बल्दी हल्के उपगुड़े के कॉरपोरेटर फाहद बिन अब्दाद और मजलिस के ज़िम्मेदारों को यहाँ पर रवाना किया। हम और ख़त्म नबूवत के से ताल्लुक़ रखने वाले शहर के ज़िम्मेदारान हम सब मिलकर बल्लागोड़ा पुलिस स्टेशन आए और वो जो फितना था उस फितने की निशानदेही करवाए। फौरी तौर पर पुलिस हरकत में आते हुए उसको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल की। यहाँ पर हम तहरीरी एक कंप्लेंट भी किए इसके एक्टिविटीज़ के मुताबिक के खिलाफ, और इसके ऊपर जो संगीन जुर्म किया है कर रहे हैं इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हम उसी के मुताबिक कंटेंट्स लिखकर जो है कंप्लेंट किए हैं, और हमें उम्मीद है कि पुलिस सीरियस होते हुए इस पर जो है एक्शन लेगी। और नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब पुलिस के आला अहदेदारों से भी बात किए, रबते में है कि ये फितनों के खिलाफ में जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए इन पर संगीन जो जुर्म कर रहे हैं इनके ऊपर वही संगीन दफात लगाते हुए एक्शन लिया जाए। और मैं खास तौर पे हमारे शहरियान हैदराबाद पुराने शहर के मेरे भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि आप जो है जिसको भी किराए पे मकान दे रहे हैं, आज जो ये फितना आरिफ जो है गिरफ्तार होके लॉकअप में बल्लागोड़ा पुलिस स्टेशन के मौजूद है, तो ऐसे बताया जा रहा है कि इसका ताल्लुक जो है भोपाल से, तो बहरहाल तो मेरी आप तमाम से मेरी दरख्वास्त है कि मकानात देने से पहले इन फितनों को पहचाने जाने, इनके एक्टिविटीज पर नज़र रखे। अगर इस किस्म के जलील हरकत में ये लोग मुलविज है तो वैसे लोगों को अपने मकानात ना दें, और उनको जानकर तहकीक कर कर जो है आप अपने मकानात किराए पर दें। और इंशाल्लाह हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की भी नोटिस में ये मसले आया है, वो भी पुलिस के आला अहदेदारों से रबते में है कि इन फितनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको कैफी किरदार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने हैं इनका, क्या क्या काम इनका है, इनके साथियों कोई और है, इनके ऊपर भी कंप्लेंट है? देखिए अब इतला अभी इब्तदाई में यह आई है कि ये जो आरिफ नामी ये जो फितना है इब्ने लहैज, ये जिसको गिरफ्तार करके लाए हैं, इसके साथ में और तीन है ओट्टापल्ली में। इनका जो है नाम और पता हम जो है पुलिस स्टेशन में हमारे खत्म नबूवत के जिम्मेदारों ने जो है दे दिया है, और इस पर जो है उन लोगों को जो है गिरफ्तार करने का हमने मुतालबा किया और नाम और पता दे दिया है। उनकी भी पुलिस जो है तयखुन दी है कि टीम बनाकर उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके इसके साथ उन लोगों को भी जो है जेल को रवाना करेगी। हैदराबाद में कब से रह रहे? कुछ
देखिए अभी भी सुनने में यह आया है कि ये जो फितना है, ये फितना शुरू हुआ जो है जुनूबी हिंद से, और यहाँ पर शहर हैदराबाद में एक हालिया जो है एक केस बुक हुआ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नामपल्ली के रुकन असेंबली मोहम्मद माजिद हुसैन साहब नकीब मिल्लत की हिदायत पर वहाँ पर जो है मलापल्ली में जाकर एक केस रजिस्टर करवाए हैं। ऐसे ही ऐसे ही लोग जो है धीरे धीरे कर सारे शहर में जो है इनके पांव फैला रहे हैं। मैं नौजवानों से और उन मकान मालिकों से दरख्वास्त करूंगा कि इनको पहचाने और इनको जो है पहचानते फौरी तौर पर इनको अपने मकान से जो है खाली करवाएं। ये ऐसा है, ये जो फितना है शकील बिन हनीफ ये जो फितना है इब्न अल हैज है, ये नबुवत का दावा किया है, झूठा है, कज़्ज़ाब है, माज़अल्लाह। ये जो है इसके खिलाफ मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में जो है FIR दर्ज हो चुके हैं और इसके फॉलोअर्स के खिलाफ भी हुए हैं। लेकिन अब हमारा मुतालबा ये है कि हमारे नज़दीक इस्लाम मुसलमान सबके नज़दीक सबसे अजीज तर अगर कोई शय है, कोई हस्ती है, तो वो हमारे आगा नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, ये नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपकी जो है ना शान रिसालत में अगर कोई जो है इब्न अल हैज कोई कज़्ज़ाब अगर जो है गुस्ताखी करता है, तो यकीनन हम जो है ना उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और नकीब मिल्लत इसमें बहुत सीरियस है। नकीब मिल्लत काफ़ी बरहम है। नकीब मिल्लत हम तमाम को यहाँ पर रवाना किए हैं और पुलिस के अहदेदारों से जो है मुतालबा किए हैं कि इन जो है कज़्ज़ाबों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इनको कैफे किरदार तक पहुँचे।